see dead people. तो भाई सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट देखेगा आपको यहाँ पे सिंपली अपनी वीडियो को ऐड कर लेना जिस वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करने वाले हो। तो यहाँ पे जो कैसे मैंने वीडियो ऐड कर लिया, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्लाइड पर करना है, यहाँ पे एडजस्ट में चले जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा एक ग्राफिक्स करके, आपको ग्राफ्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली व्हाइट वाला जो पॉइंट है उसको ऊपर की तरफ ले जाना है और दूसरे वाला उसको नीचे, सेम आपको चारों में यही करना है। ठीक है गाइस, एक पॉइंट ऊपर ले जाना है, एक पॉइंट नीचे ले जाना है गाइस। ठीक है, इतना करना है आपको चारों में, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से चलना आपसे बिल्कुल बैक, यहाँ से बैक जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे, आप देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ से चले जाना है आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो इफेक्ट में जाना है। वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपन एंड क्लोजिंग वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है। फिर आपको यहाँ पे जो है हेलो ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है, इसका इंटेंसिटी फुल कर देना है, इसका डन कर देना है, इसको जो वीडियो की जितनी लेंथ है उतनी रख लेनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो वीडियो काफ़ी बड़ी है मेरी, तो मैं इसको यहाँ पे बाद में कट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बट यहाँ पे जो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, एक बार आप लोगों को भी सेव कर लेना है एंड इसके बाद आप लोग को वेट कर लेना थोड़ी देर। तो बाकी जब तुम्हारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, आप इसी को न्यू प्रोजेक्ट पर दोबारा क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को फिर उसके बाद करना क्या, आप लोगों को जो आपने सबसे पहले जो अपनी वीडियो ऐड करी थी उसको ऐड करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ऐड ओवरले का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट करी थी आपको सिंपली उसको ऐड कर लेना है। उसको ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे, अब आपसे भी पूछेगा यहाँ पे आपको इस वाला ऑप्शन में जाना है ब्लेंडिंग वाले में, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखा बर्न वाला, ठीक है, ये वाला लेना है। एंड इसका जो ओपेसिटी है इसको रख देना है यहाँ पे 60 तक, ठीक है, 60 या 59 तक रख देना है। उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड की एक लिंक मिलेगी, ठीक है, वॉलपेपर की, आपको सिंपली इसको ऐड ओवरले से आपको उस फोटो को ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो मैं उसको फटाफट से ऐड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सेव नहीं कर पाया था, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, अब उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों को सेम वही कर देना है, स्प्लाइस वाले ऑप्शन में चले जाना है, जितना आपकी वीडियो की लेंथ उतनी रखनी है, इसको स्प्लाइस वाले ऑप्शन में चले जाना है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको उसको कर देना ओवरले, ठीक है, ओवरले कर देने के बाद आपको उसका जो ओपेसिटी इसको रख देना है 90 तक, 90-95 तक, फिर सर उसको डन करना है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, इतना हो जाएगा जब आप लोगों का, तो आप लोगों को यहाँ पे बैक चलना है। बैक जाने के बाद एक बार प्ले करके देख लेना है यहाँ पे, तो अभी लगभग हमारी क्वालिटी बढ़ चुकी है, बट अभी इसमें और भी काम है जो हमें करने हैं। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले करना है कि जहाँ से आपको चले जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपका ब्राइटनेस मिलेगा, ब्राइटनेस के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देना है।